हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है आपके लग्न और राशि के अनुसार कौन सा ऐसा समय होगा जिस समय आपको रखनी है विशेष सावधानी। कौन सा ऐसा समय होगा जिस समय बिना बुलाए मेहमान की तरह कोरोना आपका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आ सकता है। आज की जो राशि है, आज का जो लग्न है वो कर्क लग्न, कर्क राशि, जिसको रानी की संज्ञा प्रदान की गई है ब्रह्मांड में। चंद्रमा आपके लग्न के देवता हैं, लग्नेश हैं। अब हमें जो और लग्नों पे हम फलादेश करते हैं तो बहुत आसान होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी को पकड़ते हैं और पूरा साल भर का आपको बता देते हैं। लेकिन जब यही चीज़ें हम कर्क लग्न में आते हैं तो यह थोड़ा दुविधापूर्ण स्थिति बन जाती है। इसलिए क्योंकि आपके लग्नेश 2.5 दिन में एक राशि को परिवर्तित कर दे रहे हैं, तब आप यह ध्यान रखें, कर्क लगन जल तत्वीय लगन है और जल क्या है, एनर्जी को बहुत जल्दी खींचता है, हर चीज़ों को खींचता है, जीवन को भी खींचता है और मृत्यु को भी खींचता है, अच्छाई को भी खींचता है, बुराई को भी खींचता है। तो जल तत्वीय लगन होने से सर्वाधिक खतरा आपको ही है। आपका शरीर कोमल है, आपका शरीर सबको स्नेह देने वाला है, इसलिए जिनकी कुंडली में मैंने इसमें कर्क लग्न वालों को देखा है, बहुतायत मात्रा में न चाहते हुए भी कोरोना को आतिथ्य उन्होंने दिया है। तो क्या करें आप प्रतिदिन का पंचांग देखा करें। जब भी आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी निम्न के होंगे, माने पंचम भाव में होंगे, तब आप तनाव में आएंगे। आपके चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे तब आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आपके चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे तब स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, और आपके चंद्रमा मिथुन में जाएंगे तब स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। प्रतिमा लगभग 7 से 10 दिन आपको बहुत ध्यान देना है। जब वृश्चिक में होंगे और धनु में होंगे, कुंभ में होंगे, मिथुन में होंगे, इस समय संभावनाएं बन रही हैं कि संक्रमण आपके पास आ जाए। मिथुन में होंगे तो बेवजह घूमने से आपको आ सकता है। अष्टम में होंगे तो आपको क्या होगा, खोजात्मक कार्य करने से या जल के किनारे जाने से इस तरह की चीज़ों में आ सकता है। और धनु में होंगे तो मित्रों से मिलने जुलने में, हॉस्पिटल का चक्कर लगाने में आ सकता है। आपको प्रतिमा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शेष आपकी कुंडली में गुरु आपके खस्टेश हैं, गुरु आपको रोग देने वाले हैं। साथ ही बुध आपकी कुंडली में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। कर्क लग्न में बुध सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव देते हैं। शनि आपके मार्गेश है और अष्टमेश हैं। तो चर्चा हम करेंगे बुध पे, चर्चा करेंगे गुरु के दृष्टि पे, चर्चा करेंगे शनि पे। तो शनि वर्तमान में आपके सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं, अतः आपके लग्न पे इनकी दृष्टि है, तो मार्गेश लग्न को देख रहा है, अतः आपको बीमार रखने की कोशिश करेगा। यद्यपि शनि अष्टमेश है इसलिए आयु की रक्षा भी करेगा। शनि यहीं पे गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव का ही फल दे रहे हैं, इसलिए यह पूरा वर्ष आपको संयमित रहने का है, आपको अपना विशेष ध्यान रखने का है। आप परिवार में भी तनाव का वातावरण बनते हुए देख सकते हैं। आप एक कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं और उस कोमलता का अलग तरीके से लोग उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। अब इस शनि की जो उपस्थिति लग्न पे है वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ेगी, अकेला नहीं तोड़ पाएगी। कब तोड़ेगी, जब लग्नेश आपका कमजोर होगा। तो अपने लग्न को मजबूत करिए, अपने लग्नेश को मजबूत करिए, चंद्रमा की उपासना करिए, भगवान शिव के शरण में जाइए, नमामि समेषां निर्वाण रूपम इस स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करिए, नहीं तो सोमवार सोमवार जरूर पाठ करिए, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, अभिषेक करिए, जो भी मंत्र आता है, नहीं भी आता, त्र्यंबकम् भजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुच्छिमामृतात्, या ओम नमः शिवाय। परमात्मा मंत्रों के भूखे नहीं है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। तो जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, जो कुछ मिलता है आप उनको अर्पित करिए और उनसे कहिए कि मेरी रक्षा करें और वो आपकी रक्षा करेंगे। शनि संबंधित चीज़ों का आप दान करें। किसी भी स्थिति में काले रंग के कपड़े आप ना पहने। आपकी बेडशीट भी नीले और काले रंग की नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में आप सिर करके ना सोएं, नहीं तो आप तनावग्रस्त आ जाएंगे। आप कमरे में सोते हैं तो आप बिल्कुल अंधेरा करके ना सोएं, थोड़ा सा प्रकाश रहने दें, बिल्कुल अंधेरा भी
आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करेगा। आप अपने सिराने एक लोटा जल जरूर रख के सोया करें, इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। अब इसके साथ साथ गुरु, गुरु आपके कुंडली में कर्क लगन में, हाँ, गुरु गोचर कर रहे हैं अभी अष्टम भाव में, रोग अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, रोग की मृत्यु हो जाएगी, रोग मर जाएगा। आपकी जो क्षमता है संघर्ष करने की वो भी प्रभावित होगी, केवल रोग ही नहीं मरेगा। या गुरु जब गोचर कर रहे हैं सितंबर द्वितीय सप्ताह में, फिर गोचर करके आएंगे मकर में, इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पे। यद्यपि दृष्टि इनकी उच्च की है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि से अष्टम है, मूल त्रिकोण राशि से अष्टम पे दृष्टि है, इसलिए रोगेश होने की वजह से थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा रोग दृष्टि से दे सकते हैं। इसलिए गुरु की चीज़ों को भी आप, गुरु की पूजा करें, सर्वाधिक अच्छा क्या, गुरु को आप थोड़ा सा तिलक, पीले कलर का तिलक मस्तक में लगाएं, थोड़े से गले में लगाएं, थोड़े से नाभि में लगाएं, तो गुरु की निम्नता का आपको लाभ नुकसान नहीं होगा। गुरु जैसे शनि के साथ आएंगे तो उच्चता वाला आपको, निम्न भंगराज योग वाला लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आपके महत्वपूर्ण ग्रह पड़ते हैं बुध। बुध कर्क लगन में निश्चित रूप से खराब प्रभाव देते हैं, भगवान राम को इन्होंने वनवास दे दिया। कर्क लगन वालों के ऊपर जब जब बुध की दशा आएगी उनको घर तक छोड़ना पड़ता है, यहाँ घर छोड़ना पड़े या ना, लेकिन आपको हॉस्पिटल पहुँचा सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो अभी अगर आप देखें तो कर्क लगन में बुध का जो गोचर है वृषभ में हो रहा है, तो वृषभ में गोचर होने से ठीक है, पराक्रम का स्वामी लाभ भाव में है, पराक्रम से लाभ होगा। इसके पश्चात इनका गोचर वैभाव में होगा तो थोड़ा सा व्यात्मक हो जाएंगे, पराक्रम का भी व्यय करना पड़ सकता है, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा है। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक कर्क में आ रहे हैं, 25 जुलाई से 9 अगस्त कितने दिन के लिए आ रहे हैं, 15-16 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 15-16 दिन का समय आपके लिए तनाव का समय होगा, बेवजह भाग दौड़ का होगा, आपके बीमार होने का होगा, बुध आपको बीमार कर देंगे, आपके शरीर का व्यय करा देंगे, इसलिए सावधानी रखिए। अगर आपके कुंडली में मार्केश चल रहा है, आपका कष्टमेश चल रहा है, आपका बेस चल रहा है, तो विशेष सावधानी रखिए। बुध बहुत त्वरित गति से फल देता है और चंद्रमा उसको रोक नहीं पाता, इसलिए विशेष सावधानी रखें। तो जैसे इनका कर्क में गोचर होगा आपको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, सिंह में गोचर होगा तो मुख के द्वारा माने खान पान आपका दूषित करेंगे, खान पान के माध्यम से भी आप परेशान रहेंगे। तो 9 अगस्त से 26 अगस्त तक सिंह में है, उसके पश्चात इनका गोचर कन्या में जाएगा, कन्या में अच्छा फल देंगे क्योंकि कन्या में पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में है और बृहस्पति ये सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं, इसलिए अच्छा देंगे। तो यहाँ पे उसके पश्चात तुला में जाएंगे तो तुला में थोड़ा सा भूमि भवन या घर संबंध, घर में जो वातावरण है वो थोड़ा सा किचकिच वाला हो सकता है। तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पूरा अच्छा जा रहा है। वृश्चिक मकर 10 दिसंबर को ही आपके मकर में प्रवेश करेंगे, तो 10 दिसंबर को जब मकर में प्रवेश करेंगे इनकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे होगी, तब भी आपके लिए सावधानी रखने वाला समय है। क्या करें, एकदम जो स्वच्छ सफेद होता है ना वो कपड़ा पहने, स्वच्छ सफेद वाला, जो चमकीला सफेद होता है वो नहीं, स्वच्छ सफेद, धवल जिसको बोलते हैं धवल, वो कपड़ा पहने और अपनी बेडशीट भी धवल रंग की रखें। आप जब सोते हैं तो अपने कमरे में कुछ न कुछ प्रकाश रखें, सोते समय एक लोटा जल सिराहने रखें, भगवान शिव की आराधना करें, माता की सेवा करें, संभव हो सके तो चांदी के गिलास में शाम को दूध डाल के दो मिश्री का दाना डाल के पिया करें, हल्दी भी डाल सकते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा होगा, आपके चंद्रमा मजबूत होंगे, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा और आप कोरोना से बच जाएंगे। तो याद रखिएगा, सरकार के लिए आप एक संख्या हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए आप संसार हैं।